हेलो फ्रेंड्स, कंज्यूमर वॉइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस चैट का विषय है कंज्यूमर कमीशन के सामने कंप्लेंट फाइल करने का लिमिटेशन टाइम क्या है, कितने टाइम के अंदर हम कंज्यूमर कंप्लेंट कमीशन के सामने फाइल कर सकते हैं। अब ये टाइम लिमिटेशन का अर्थ ये है कि जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तब से टाइम गिना जाएगा। जैसे आपके किसी से डिस्प्यूट हुआ है और डिस्प्यूट में जब आपको आपकी बात नहीं मानी गई और डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है, उस दिन से आपका टाइम शुरू होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आपको 2 साल का समय मिलता है और 2 साल के अंदर अंदर आपको अपने डिस्प्यूट को कंज्यूमर कमीशन के सामने ले जाना होता है। अब यहाँ पर है कॉज ऑफ एक्शन, इसको समझ लीजिए। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? जिस टाइम आपको ये फाइनली पता चल जाए कि अब इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, सारी बातचीत समाप्त हो चुकी है और अल्टीमेटली ऑपोजिट पार्टी ने आपको आपके डिस्प्यूट को, आपके ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए मना कर दिया है। इसमें थोड़ा सा पेच ये है कि कभी कभी कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू कैसे करता है? जैसे मान लीजिए बिल्डर के साथ आपका डिस्प्यूट है, बिल्डर ने आपको पोजीशन देने के लिए 3 साल बताए, 3 साल से ऊपर हो गया, आप लगातार लिखते चले जा रहे हैं और आपको पोजीशन नहीं मिला है और ना ही आपको रिफंड मिला है, तो इन दैट केस कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यूज। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो 10-10 साल बाद भी कंज्यूमर कोर्ट में आते हैं, क्योंकि इसमें हम ये प्रूव कर देते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यूज। अगर कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू करता है तो वो 2 साल की लिमिटेशन आपके लिए मायना नहीं रखती, क्योंकि 2 साल तो आपको अगर 3 साल बाद नहीं मिला है तो 2 साल तो उसी दिन से शुरू हो जाते हैं, किंतु आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती है, बातचीत चलती रहती है। एक बार दूसरा कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू करने के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि अपोजिट पार्टी ने मना कर दिया फाइनली और आप उनको चिट्ठी लिखे चले जा रहे हैं जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चिट्ठी आप फॉर द पर्पस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन आगे बढ़ाने के लिए अगर करते हैं, किंतु कई बार क्या होता है, कई बार आप लगातार चिट्ठी लिखते चले जा रहे हैं जबकि आपको मालूम है कि डिस्प्यूट हो चुका है और अपोजिट पार्टी ने आपको रिड्रेस करने के लिए मना कर दिया है, उसके बावजूद भी अगर आप चिट्ठी लिखते रहते हैं और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता तो इससे कॉज ऑफ एक्शन का लिमिटेशन नहीं बढ़ेगा। जिस दिन से दूसरे पार्टी का अंतिम पत्र या अंतिम संदेश आपको मिल चुका है, उसके बाद से कॉज ऑफ एक्शन बढ़ाने के लिए यदि आप कोई चिट्ठी लिखते हैं तो वो आपके काम नहीं आएगी, तब कॉज ऑफ एक्शन नहीं बढ़ेगा। और तीसरी बात, कभी कभी आपको डिस्प्यूट का पता ही लेट चलता है। जैसे मान लीजिए एक किसी का स्टरलाइजेशन का, महिला का ऑपरेशन हुआ कि आप स्टरलाइजेशन ऑपरेशन के बाद शी विल नॉट कंसीव, ये आपको आश्वासन हो जाता है, किंतु 10 साल बाद दैट वुमन कंसीव्स और उसका बेबी होता है, तो उसमें आपको तो इस इन फैक्ट्स के अंदर आपको कॉज ऑफ एक्शन का पता 10 साल बाद लगा, 10 साल बाद पता लगा कि आपका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ या अनसक्सेसफुल हो गया, तो कॉज ऑफ एक्शन विल स्टार्ट द डे यू हैव कम टू नो अबाउट इट। तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये बात हमने इस पे हमने चर्चा की। पहली बात, कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट व्हेन डिस्प्यूट अराइजेस। ओके, कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट जब आपका डिस्प्यूट अराइज होता है। कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू करता है जब आपकी बातचीत लगातार चल रही है, चाहे आपका 2 साल से अधिक हो गया या 3 साल से भी अधिक हो गया, उसके बावजूद भी आपकी अभी भी कम्युनिकेशन चल रहा है, आप अभी भी उम्मीद में हैं और दूसरी पार्टी आपको अभी भी आश्वासन दे रही है, तो कॉज ऑफ एक्शन विल स्टार्ट व्हेन जब आपका सारा आश्वासन समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, जब आपको पता चलता है कि अब हमारा ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया था, चाहे वो 2 साल पहले हुआ या 10 साल पहले हुआ, अब आपको पता चला है तो कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट्स नाउ। अब आते हैं कि अगर आपका डिले हो गया है तो क्या आपके पास कोई और सोल्यूशन है? कंज्यूमर कोर्ट में जब आप जाते हैं तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये देर क्यों हुई। अगर आपके पास कोई वाजिब कारण है तो आप कारण बताइए, प्रमाण दीजिए और कोर्ट से कहिए कि हमारे इस डिले को एक एप्लीकेशन लगाएगी कंडोनेशन ऑफ डिले की, और कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वह उसको कंडोन करे।
और ये कोर्ट की डिस्कशन है, ये आपका अधिकार नहीं है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो केस एक्सेप्ट हो सकता है पर नहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने आज आपको कंडोनेशन ऑफ डिले की क्या थ्योरी है, एक तो वो बताया कि कंडोन करने का अधिकार कोर्ट को होता है, और कॉज ऑफ एक्शन कब स्टार्ट होता है, इसके लिए हमने आपको तीन पैरामीटर्स बताए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सैटरडे को इसी समय 11 बजे। बने रहिए हमारे साथ और अपने प्रश्न हमें लगातार भेजते रहिए। आज के बस भेजते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।